वेलकम टू अवध ग्लो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर न्यू कंपनी क्रिएट करना। तो इसके लिए सबसे पहले क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर आकर एंटर करते हैं, जिससे कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन होता है। इसमें कंपनी नेम के आगे कंपनी का नेम लिखते हैं, जैसे यदि हमारी कंपनी का नाम अमन कंप्यूटर्स है तो हम अमन कंप्यूटर लिखकर एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में वही नाम होता है जो कंपनी का नेम होता है। एड्रेस में कंपनी का एड्रेस लिखते हैं, कंपनी का एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद रीजन में नॉट एप्लीकेबल, कंट्री में इंडिया, पिन कोड में कंपनी का पिन कोड, टेलीफोन में कंपनी का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर में कंपनी का मोबाइल नंबर, फैक्स में कंपनी का फैक्स नंबर, ईमेल आईडी में कंपनी का ईमेल आईडी, वेबसाइट में कंपनी का वेबसाइट, इत्यादि दे करके फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में आते हैं। फाइनेंशियल ईयर वो डेट होता है जिस दिन हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है। जैसे आज के डेट के हिसाब से हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 होगा, लेकिन यदि हमारी कंपनी 1 फरवरी 2023 को शुरू होती है तो बुक्स बिगनिंग फॉर्म में वो डेट देते हैं जिस दिन हमारी कंपनी शुरू होती है। इसके बाद करेंसी सिंबल फॉर्मल नेम को देने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कंपनी क्रिएट का एक मैसेज शो होता है। इसमें जिस प्रकार से ऑप्शन आते हैं उसको एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हमें जीएसटी को अप्लीकेबल करना है तो इसे एस रखेंगे, और अगर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं करना है तो इसको नो रखते हैं। अभी हम जीएसटी अप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, जब जीएसटी पढ़ेंगे हम तब हम जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट कर देते हैं कंपनी को, जिससे हमारी कंपनी बन जाती है और यहाँ पर कंपनी का नाम शो होने लगता है। तो ये कंपनी बन चुकी है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।